नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। 10 जुलाई से चतुर्मास की शुरुआत हो रही है और कुछ राशियों पर ये चतुर्मास बहुत ही फलदायी रहेगा। कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इन 12 राशियों में से कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए बहुत अच्छे परिणाम शुरू हो जाएंगे? ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो 10 जुलाई से चतुर्मास की अवधि शुरू होगी। चतुर्मास किन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चतुर्मास का विशेष महत्व होता है। इस साल चतुर्मास 10 जुलाई से शुरू होगा और इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए शयन करने चले जाते हैं, जिस कारण से शादी, गृह प्रवेश, नामकरण, संस्कार, मुंडन या अनेक शुभ काम पर रोक लग जाती है। लेकिन चतुर्मास में ग्रह राशि परिवर्तन जो करते हैं इसका प्रभाव इंसान पर पड़ता है, यानी कि शुभ काम बंद हो जाते हैं लेकिन ग्रहों का जो गोचर में परिवर्तन होता है उसका असर तो इंसानों पर पड़ता है। तो 3 ऐसी राशियाँ होंगी जिनको धन लाभ हो सकता है। कौन सी ऐसी राशि है जिनको अच्छा धन लाभ हो सकता है? मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और कुछ आप बढ़िया जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमसे बात करें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स लिखें। तो कौन सी राशि है जिसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा, वो 3 राशियाँ कौन है आइए जानते हैं। पहली राशि है मेष राशि। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग चतुर्मास में बहुत लाभकारी समय बिता पाएंगे। नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है, कोई नए रास्ते खोल सकते हैं नौकरी के, अच्छी आमदनी हो सकती है। साथ ही साथ कोई नया व्यवसाय शुरू हो सकता है, व्यवसाय में कुछ और बदलाव हो सकता है, विदेश व्यापार हो सकता है, विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर धन की स्थिति आपकी मजबूत बन रही है, यानी धन आगमन 100% होगा। दूसरी लकी राशि है कन्या राशि। आपके पक्ष में होगा ये वक्त, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लक आपके साथ होगा, कुछ अधूरे अटके काम पूरे हो जाएंगे, पुराने अटके काम पूरे हो जाएंगे, आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, कहीं कुछ पैसा फंसा था, कोई दे नहीं रहा था तो मिल जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, फिल्मी दुनिया, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा शानदार वक्त रहेगा, खूब पैसा कमाएंगे कन्या राशि वाले लोग, देश दुनिया में नाम रोशन करेंगे अपना और अपने परिवार का। तीसरी लकी राशि है वृश्चिक राशि। आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है, आप समझ लीजिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बरस रही है, करियर आपका अच्छा हो जाएगा, जो करियर में दुख दुविधा थी वो सब दूर हो जाएंगी, जीवन साथी से रिश्ते मधुर हो जाएंगे, आपको मांगलिक कार्यों का मौका मिलेगा करने का, मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकते हैं, धन लाभ होगा, व्यापार में कुछ नए अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं व्यापारियों को, व्यापार बढ़ेगा, परीक्षा देने वाले बच्चों को परीक्षा में सफलता मिलेगी, कोई अच्छी सक्सेस हाथ लग सकती है, जो सोचा ना हो वो काम बन जाए और जो चाहते थे वो हो जाए, ऐसा संभव है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में भी ये समय अच्छा रहेगा। मेष, कन्या और वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 जुलाई से एक अच्छा वक्त शुरू होगा, इसका आप आनंद उठा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच करानी चाहिए। अब जन्म कुंडली की जाँच क्यों करानी चाहिए, पहले इस बात को समझ लें। जैसे जब आप बीमार होते हैं तो आप थकान महसूस करते हैं, आप हमेशा बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करेंगे या बैठे रहना पसंद करेंगे, आपसे कोई काम नहीं होगा। ऐसा ही होता है जब आप बीमार होते हैं, यानी शरीर का एक एक अंग कमजोर होता है, विटामिन्स की कमी होती है, तभी इंसान कमजोर होता है। अब ऐसे ही समझ लीजिए आपके अगर ग्रह कमजोर हैं तो वो भी रुक रुक के काम करेंगे, उनमें भी आलस आएगा, वो भी सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, उनको भी आराम की आवश्यकता होगी। अब आप बीमार हुए तो डॉक्टर के पास चले गए, फट से डॉक्टर ने दवाई दी, आपने खाई, आपने 2 दिन आराम किया, 3रे दिन से फिर अपने काम में जुट गए, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर ने प्रिकॉशंस कहा कि भाई ये चीज़ों की सावधानी रखना वरना दोबारा बीमार पड़ जाओगे। लेकिन जब ग्रह बीमार होते हैं, ग्रह कमजोर होते हैं, तो उनके लिए दवाई कौन देगा? अब उसके लिए डॉक्टर तो दवाई देगा नहीं, उसके लिए ज्योतिषी दवाई देगा, एस्ट्रोलॉजर दवाई देगा। तो जब आप अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको अच्छा लगता हो, उससे अपने ग्रहों की कमजोरी का इलाज कराइए। किस ग्रह को कौन सी दवा चाहिए, किस ग्रह के लिए कौन सा उपाय है, इस ग्रह को कौन सा विटामिन चाहिए, इस ग्रह के लिए दान करना है कि अंगूठी पहननी है, ये सब कुछ आपको ज्योतिषी बताएगा, यानी एस्ट्रोलॉजर बताएगा।
जब आप ग्रहों के विटामिन को पूरा कर देंगे उनके उपायों से करके, तो वो ग्रह मजबूत हो जाएगा, और जब ग्रह मजबूत हो जाएगा तो आपका भाग्य चमक जाएगा। तो यकीन मानिए, जैसे आपकी बीमारी दूर होती है, आप चुस्ती फुर्ती में आ जाते हैं, फटफट काम करने लगते हैं, लाभ कमाने लगते हैं, तो वैसे ही ग्रह भी आपको लाभ देना शुरू कर देगा। और ग्रह मजबूत होगा तो आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो ग्रहों की मजबूती के लिए भी आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। डॉक्टर भी आपका इलाज करता है तो फ्री में नहीं करता, वो भी आपसे पैसा लेता है। केमिस्ट के यहाँ से दवाई लेते हैं तो वो भी फ्री में नहीं देता, वो भी पैसा लेता है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी आपसे पैसा लेगा। तो अगर कुछ पैसे देकर आपके ग्रह मजबूत हो सकते हैं, कुछ पैसे देकर डॉक्टर आपकी जान बचाता है, तो इसमें बुराई क्या है? तो अब ये आपको सोचना है कि सारी जिंदगी बीमारी वाले ग्रहों के साथ जिंदगी बितानी है या अच्छे ग्रहों के साथ बितानी है, ये सोचना आपको है। अगर एक बार समस्या का हल निकाल लेंगे अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर, तो आप हमेशा सुख सुख पाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर हमेशा बीमार रहेंगे, है ना। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली की जांच करूं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, जन्म कुंडली बनवाएं, जन्म कुंडली की जांच करेंगे, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है, जन्म कुंडली क्या कहती है आपकी, सब मैं आपको बताऊंगा। क्या उपाय करना है, क्या उपाय नहीं करना, क्या गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को मैं बताऊंगा, उसको सुधारना होगा। फिर जब आप सारी चीजें हमारी मानेंगे, तो महीने 15 दिन के अंदर आपकी जो जिंदगी है वो एकदम से नई जिंदगी हो जाएगी। आप कहेंगे जैसे आपको नया जन्म मिल गया हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बिगड़े हुए ग्रह, कमजोर ग्रह, बीमार ग्रह को सही करने के लिए फैसला लेंगे अपनी कुंडली की जांच कराने का, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। इंसान का जीवन भगवान बार बार नहीं देता, इस बार तो मिल गया, अगली बार मिले ना मिले। तो इस जीवन को अपने ग्रहों को मजबूत बनाकर और अच्छा करना है, ताकि भगवान भी खुश रहे और आप भी खुश रहें। हरिओम, नमस्कार। पति पत्नी के प्यार में कमी हो, वैवाहिक जीवन में सुख में कमी हो, पति पत्नी के शारीरिक संबंध बनाने में कमी आ रही हो, संतान पैदा करने में कोई तकलीफ आ रही हो, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा का प्रभाव हो, घर में अशांति हो, शादी के योग हैं लेकिन शादी नहीं हो रही, पैसा टिक नहीं रहा, शनि की 7.5 काल सर दोष परेशान कर रहा है, दुश्मन परेशान कर रहा है, मन चाहा नौकरी नहीं, मन चाहा घर नहीं, मन चाही गाड़ी नहीं, कुछ भी हाथ में आता नहीं, बस काम चलाओ सरकार चल रही है, तो आप इनको धारण करें। ये तीनों रत्नों का ये लॉकेट आप देख रहे हैं, एक साथ मढ़ा हुआ आपको मिलेगा 1750 रुपये में। 1750 रुपये में पंच धातु में मढ़े हुए ये लॉकेट होगा, और आप इसे पहनकर लाभ ही लाभ उठा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए L6 लिखें और मंगा लें। 1750 रुपये इसकी कीमत है। यकीन मानिए, जीवन से दुख भाग जाएंगे, और ये अजेय लॉकेट है, यानी हर एक चीज़ पर आपको विजय प्राप्त होगी।